सभी छात्रों को मेरा नमस्कार। बहुत सारे बच्चों के कॉल मैसेजेस पड़े हुए हैं कि सर हमारी रैंक अच्छी नहीं है या हमारी रैंक एवरेज है, तो हमें या हमने जेई मेंस नहीं दिया। जेई मेंस अगर दिया भी है तो रैंक हमारी अच्छी नहीं है, तो क्या करें, कहाँ हमारा एडमिशन हो सकता है। तो ऐसे बहुत सारे कॉलेजेज हैं, अच्छे कॉलेजों की मैं बात कर रहा हूँ जो आपके डायरेक्ट एडमिशन्स भी लेते हैं। नोएडा, ग्रेटर नोएडा के अंदर कॉलेजेज हैं। अगर किसी भी बच्चे को इस टाइप के क्वेश्चंस हैं, अच्छा कॉलेज नहीं मिल रहा है उसकी रैंक के अकॉर्डिंग, क्योंकि कई बारी क्या होता है कि आपको कॉलेजों के बारे में ही नहीं पता होता है, सिर्फ जितना यूट्यूबर्स या नेट पर जितना दिखाया जाता है उस तक नॉलेज होती है, पूरे ब्रह्मांड के बारे में आपको नॉलेज ही नहीं होती है। इस वजह से आप एक अच्छे कॉलेज से वंचित रह जाते हैं और आपको एक अच्छी ब्रांच भी नहीं मिलती है। पहले तो सबसे पहले मैं ये एक चीज़ आपको बता दूँ, अगर दो तरीके के कॉलेज हैं, एक आपका ए ग्रेड का कॉलेज है और एक आपका बी ग्रेड का कॉलेज है, अगर आपको ए ग्रेड में लोअर ब्रांच मिल रही है और बी ग्रेड में आपको हायर ब्रांच मिल रही है, तो अकॉर्डिंग टू मी यू शुड गो फॉर बी ग्रेड कॉलेज। अगर आपको वहाँ पे आर्टिफिशियल सीएस या आईटी मिलती है तो आपको बी ग्रेड में जाना चाहिए, ना कि ए ग्रेड में। अगर आपको मैकेनिकल, सिविल या फिर और बहुत सारी बायोटेक्नोलॉजी या केमिकल या आपका टेक्सटाइल, इस टाइप की अगर ब्रांच मिलती हैं तो यू शुड गो फॉर बी ग्रेड, क्योंकि आगे वाला जो आपका फ्यूचर है वो टोटली डिपेंड करता है किस पर, सीएसआईटी पर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर। तो अगर आपके पास टेक्नोलॉजी है और आपके पास जो आप संसार को, जो इस वर्ल्ड को ज़रूरत है जिस चीज़ की, अगर वो आपके पास है तो कॉलेज बाद में मैटर करता, पहले वो आपकी स्किल्स मैटर करती है। तो इसीलिए आपके पास एक अच्छी ब्रांच का होना बहुत बहुत ज़रूरी है, और अच्छी ब्रांच, अच्छा कॉलेज, एवरेज ब्रांच, एवरेज कॉलेज या इस टाइप का, आपको इन चीज़ों से बचने के लिए कि आपको गंदा कॉलेज ना मिल जाए, गंदी ब्रांच ना मिल जाए, आपको प्रॉपर गाइडेंस होना चाहिए, तो आप हमसे कोऑर्डिनेट कर सकते हैं। हम आपका डायरेक्ट एडमिशन्स कराएंगे इन कॉलेजेस के अंदर जो नोएडा, ग्रेटर नोएडा, गाजियाबाद के अंदर कॉलेज हैं। और नोएडा, ग्रेटर नोएडा, गाजियाबाद, गुड़गांव में या बेंगलुरु में एडमिशन लेने से आपको फ़ायदा एक ये होता है, क्योंकि यहाँ पर नंबर ऑफ कंपनीज बहुत ज़्यादा हैं, आईटीज कंपनी बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि जो कंपनी नोएडा के अंदर है वो ट्रैवल नहीं करना चाहेगी कि उसको कहीं दूर जाके सिटी में वो रिक्रूटमेंट करे। तो इसीलिए ज़्यादातर कंपनीज, या तो बहुत अच्छा कॉलेज हो आपका, रेप्यूटेड कॉलेज हो, आईआईटी हो, एनआईटी हो या ट्रिपल आईटी हो या आईआईटी लखनऊ हो, तब कंपनी ट्रैवल करती है। अगर आपका एवरेज कॉलेज है तो आपको नोएडा, ग्रेटर नोएडा के कॉलेज, गाजियाबाद, दिल्ली एनसीआर के कॉलेज चूज करने चाहिए, गुड़गांव वगैरह के, ताकि आपको आसानी से प्लेसमेंट मिल सके कंपनीज के अंदर और आप आसानी से इंटरव्यू भी दे सकें, क्योंकि कंपनीज कोई दूर ट्रैवल नहीं करती है और ब्रांच आपको अच्छी लेनी चाहिए। अगर आपको इस टाइप का कोई डाउट्स है, आप डायरेक्ट एडमिशन लेना चाहते हैं, आपकी अच्छी रैंक नहीं है, आप एकेटी में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो हमें ज़रूर कोऑर्डिनेट करें। 9990222447 पर हमारी टीम बिल्कुल आपकी हेल्प करेगी। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।